हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट। इससे पहले हमने थ्योरी पार्ट देखा, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी। कौन कौन सी थी? पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। उन तीनों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही आता है फिजिक्स में से। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इबा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, राइट? फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू द टू थिंग्स, वन इज द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? द गिवन इज दिस एक्सेलरेशन एंड द टाइम, राइट? वन मोर थिंग इज गिवन विच इज नॉट न्यूमेरिकली मैंशनड इन दिस क्वेश्चन। वॉट इज दैट? यूनिफॉर्म, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन बट इट इज़ नॉट मैंशनड न्यूमेरिकली इन द क्वेश्चन, राइट? वेयर इज इट? इट इज हेयर। ए बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट? एनीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज हैविंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो, राइट? बिकॉज इफ इट इज नॉट मूविंग इनिशियली देन इट इज हैविंग जीरो वेलोसिटी। So initial velocity is also given, which is zero here. Initial velocity meaning u. We represent initial velocity by letter small u. It is 0 meter per second and uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीनिंग 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डजेंट मीन यूनिफॉर्म मोशन। इट शुड बी क्लियर इनफ। यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज़ होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग चीज़ होती है। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अगर है जो कि वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ। मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो एक अलग बात है कि वो इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी का, लेकिन वेलोसिटी चेंज तो हो रही है ना, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का केस नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस ही है। नाउ टाइम इज ऑल्सो गिवन, दिस एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए एंड दिस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल टी। इट इज 2 मिनट्स। Now minutes are to be converted into seconds. Why? Because second is our SI unit, so we have to convert. Now first thing which question is asking, the speed acquired. Speed acquired. तो स्पीड एक्वायर्ड कैसे आएगा? स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है हमें। फाइनल वेलोसिटी ही स्पीड एक्वायर्ड है, राइट? फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या कि 2 मिनट के बाद जो वेलोसिटी होगी, अगर इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन ये है, अगर मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड चेंज हो रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड अगर 1 सेकेंड में चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो 2 मिनट बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो स्पीड एक्वायर्ड यानी फाइनल वेलोसिटी पूछिए तो सिंपल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको पता ये है स्पीड, ठीक है? इसी वेलोसिटी को स्पीड बोला है, राइट? सो वी इज इक्वल टू यू इज 0 मीटर पर सेकेंड, वी नो इज गिवन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन टू टाइम 120 सेकेंड। ईजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ ध्यान देने वाली बात एक ही थी यहाँ पे कि यहाँ पे सेकेंड में कर ले रहा है चेंज, ठीक है? तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी। द स्पीड एक्वायर्ड इन 2 मिनट्स इज 12 मीटर पर सेकेंड, 0.1 into 120 जब होगा तो 12 ही आएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नाउ बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट? एस। सो एस इज इक्वल टू व्हाट? एस इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर राइट। अगर यू ज़ीरो है तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, मेंशन करना लेकिन ज़रूरी है। टी कितना है 120 सेकेंड्स प्लस हाफ, ए कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड एंड टी इज टी स्क्वायर इज 120 सेकेंड होल स्क्वायर। नाउ वी आर हैविंग दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो प्लस हाफ इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर 144, डबल ज़ीरो साथ में लगेगा, सेकेंड स्क्वायर ठीक है। जब 120 सेकेंड होल स्क्वायर को वो खोलेंगे तो ये आएगा राइट। अब इस पर सेकेंड स्क्वायर से ई सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा राइट, पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो 0.1 से अभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440 राइट, क्योंकि एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इस 0.1, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो इस वजह से वन में राइट। सो ये मीटर्स में आएगा, हाफ डिवाइड बाई हाफ इंटू यानी 1440 अपॉन 2 मीटर। जब इसको आप काटेंगे तो आएगा 720 मीटर्स, 720 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बस वो कितना करेगी, 720 मीटर्स करेगी। तो आपके दोनों आंसर्स हो गए राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन विच इज समवॉट डिफरेंट। यहाँ तो इजी था मामला, सी दिस इज अनदर क्वेश्चन। ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी इज, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी राइट 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वी आर थ्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन सो दे विल टेक इन विद दिस एक्सीलरेशन विद अपोजिट साइन। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? Suppose this is a stone, right? ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ 5 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंक रहे हैं राइट। सपोज यहाँ पे आके रुकता है, क्योंकि जब वो एक मैक्सिमम हाइट पे स्टोन या कोई भी चीज़ रीच करती है जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो स्टॉप होती है, जाके रुकती है, फिर नीचे आना स्टार्ट होती है ठीक है। तो इसमें जो जी लगेगा यानी कि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सीलेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये लगेगा माइनस साइन के साथ क्योंकि ऊपर जा रहा है राइट। और यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है इसकी ज़ीरो हो रही है क्योंकि रुकेगा ऊपर जाके ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा। मैक्सिमम हाइट लेट अस सपोज एस है ठीक है, तो इसे हमें एस को निकालना है। दूसरी चीज़ टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा, ये दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एस निकालना है और एक टी निकालना है ठीक। तो अभी इसमें कैसे करेंगे, देखो हमें वी मालूम पड़ गया, यू मालूम पड़ गया, ए मालूम पड़ गया, एस निकालना है। तो एस के लिए पोजीशन और ये वेलोसिटी, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन लग जाएगा, एस अननोन है राइट। सो हम लिखेंगे सारी चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड राइट, फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू व्हाट 0 मीटर पर सेकेंड ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये हमें लेना है अपवर्ड में क्योंकि दिया है कि इसमें डाउनवर्ड में पॉजिटिव दिया है, तो अपवर्ड में लेना है नेगेटिव, ये ध्यान रखने वाली बात है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। और क्या गिवन है हमारे पास, हाइट निकालना है राइट, हमें क्या निकालना है, हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड और द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द मैक्सिमम पोजीशन राइट। सो हमें सबसे पहले एस के लिए फॉर्मूला लगाना है, एस इक्वल टू ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2 AS, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। सो दिस इज वॉट पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। सो एस, इससे हमें एस क्या मिलेगा, एस मिलेगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 A, ये मिलेगा
सो वी स्क्वायर यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर राइट। ये आएगा 2 × एक्सेलरेशन − 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें क्या मिलेगा इसके बाद आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा राइट। और ये क्या मिलेगा −25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये मिलेगा अपॉन −20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पर सेकेंड स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर से ऊपर वाला 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे वाले मीटर से राइट। तो जो ऊपर बचेगा सिर्फ मीटर यूनिट बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये आएगा 5 अपॉन 4 मीटर राइट। सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 1.02 डेसिमल लगा हुआ 0 क्या हो जाएगा 25 टाइम्स। सो 1.25 मीटर इट इज़ द मैक्सिमम हाइट स्टोन विल रीच राइट। यहाँ से अगर इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंकोगे तो ये पहुँच जाएगा 1.25 मीटर्स तक, ठीक है। अगर उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है −10 राइट, −10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम भी निकालना है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू रीच एट दिस हाइट राइट। तो टाइम के लिए हम कोई ऐसा रिलेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमें टाइम हो, ठीक है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो सीधा सीधा हम टाइम के लिए लगा देंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो इसमें टाइम है और हमारे पास बाकी की तीनों चीज़ें नोन है, यानी ये वी नोन है, ये यू नोन है और ये ए नोन है। तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे आएगी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। सो वी की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड माइनस यू कितना है, यू है 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितना है −10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। अब देखें ध्यान से, 0 तो ख़त्म, ये माइनस वाला ये माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो ये आएगा 1/2, मीटर से मीटर कैंसिल और पर सेकंड से 1 पर सेकंड कैंसिल, तो नीचे पर सेकंड बचेगा वो ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 सेकंड यानी 0.5 सेकंड्स। मीनिंग क्या कि एक सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा जब हम फेंकेंगे इस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो 1.25 मीटर्स तक स्टोन को रीच करने में सिर्फ 0.5 सेकेंड्स लगेंगे, यानी हाफ सेकेंड लगेगा एग्जैक्टली इतना ये आंसर हो गया। हम स्टेटमेंट लिख देंगे कंक्लूजन लास्ट में, देयर फोर द स्टोन विल रीच एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस एट ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 1.25 मीटर्स इन 0.5 सेकेंड्स। सिंपल ऐसी लिख दो राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अगर ऐसा न्यूमेरिकल जो बहुत ईजी है, ये भी बस हमें ध्यान देना है कि क्या गिविन है पार्ट और जो पूछा है वो किस तरह निकलेगा, मतलब जो तीन है तीन में से कोई एक लगेगी। एक हमने यहाँ पे लगाई थी इक्वेशन ऑफ मोशन और एक यहाँ पे लगाई है इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन में से कोई सी भी लगेगी एक राइट। जो गिवन पार्ट है वो और क्या पूछा है वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी लगेगी। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो आज के लिए इतना ही, विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स इन अपकमिंग सेशंस राइट। सो तब तक के लिए सी यू, दैट्स इट।